वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4 स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट मैथ्स। बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट। उसमें है आज हम सब्ट्रैक्शन करेंगे मीटर और सेंटीमीटर का। अगले वीडियो में हमने क्या किया था, मीटर और सेंटीमीटर का एडिशन किया था। ओके, आज हम क्या करेंगे, मीटर सेंटीमीटर का करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो एग्जांपल है सब्ट्रैक्ट 14 मीटर 28 सेंटीमीटर फ्रॉम 27 मीटर 26 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या करना है, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन में, सबसे पहले अरेंज द नंबर एंड साउंड राइट द बिगर नंबर ऑन टॉप। क्या करना है उसमें, हमें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है, जो बिगर नंबर है उसको हमें क्या कहां पे लिखना है, पहले लिखना है, और जो छोटा नंबर है उसको हम नीचे लिखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे 14 और यहाँ पे है 27, तो जो 27 है वो 14 से बिगर है, बिगर नंबर है 27। तो हम यहाँ पे 27 मीटर 26 सेंटीमीटर यहाँ पे ऊपर लिखेंगे और 14 मीटर 28 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे नीचे। समझ में आया सबको। और सब्ट्रैक्ट सेंटीमीटर कॉलम फर्स्ट, हमें क्या करना है, जो सेंटीमीटर का कॉलम है उसको हमें सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है, देन सब्ट्रैक्ट मीटर कॉलम, उसके बाद हम मीटर का कॉलम जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ कि ये सब्ट्रैक्शन कैसे किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो 6 - 8 करना है। ओके, तो 6 में से 8 माइनस नहीं होता, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे 10, ऐसी क्वेरी लेते हैं 10 लेते हैं ना, तो ये जो 10 + 6 कितना होगा 16। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है 16। समझ में आया, ये 16 कहाँ से आया, हमने क्या किया था अगले सब्ट्रैक्शन में, हमने अगले चैप्टर में पढ़ा था ना सब्ट्रैक्शन, उसमें हमने क्या किया था, जो 0 था उसके ऊपर हमने 10 क्वेरी ली थी ना, तो जो 10 क्वेरी ली थी उसमें से हमने जो नीचे वाला नंबर था उसको सब्ट्रैक्ट किया था। अभी भी हमें यही करना है, लेकिन क्या करना है, यहाँ पे 0 है तो हमें सिर्फ 10 ही लिखना है, लेकिन 10 और यहाँ पे देखो 6 है तो हमें 10 + 6 करना पड़ेगा, तो कितना नंबर हो जाएगा 16। समझ में आया, तो यहाँ पे 16 लिखा है और यहाँ पे 8, 16 में से 8 माइनस करना है। ओके, ऐसे ही करना है वापिस यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे 10 लिया है तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो हम अगर यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। ओके, 1 बचा तो 1 में से 2 माइनस नहीं होगा, तो अभी हम क्या करेंगे, वापिस 10 क्वेरी लेंगे, यहाँ पे वापिस 10 लेंगे तो 10 + 1 कितना आया 11। समझ में आया सबको, तो यहाँ पे 11 इसीलिए लिखा है, पहले 10 क्वेरी पहले चेक के यहाँ पे क्रॉस लगा के 1 लिया, क्योंकि यहाँ पे 10 कैरी थी तो यहाँ पे लिया हमने 1। 1 में से 2 माइनस नहीं होता, इसीलिए हमने वापस यहाँ पे लिया 10, 10 + 1 किया तो आया 11। 11 में से हमें 2 माइनस करना है तो हमें कितना मिलेगा 9, कितना मिलेगा 9। अभी हमने यहाँ पे वापस 10 कैरी ली है तो हमें यहाँ पे 7 में से 1 माइनस करना है, तो यहाँ पे लिखा 6। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो मिलेंगे 2, यहाँ पे 2 - 1 यहाँ पे 1। समझ में आया, आंसर मिला 12 मीटर 98 सेंटीमीटर। इन सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ वी कैन बोरो इफ रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे हमें बोरो लेनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद हम अभी यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्शन, कुछ यहाँ पे सम आपको दिखाई दे रहे हैं उसको हमें सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला जो सम है उसको सॉल्व करेंगे, 8 - 2 यहाँ कितना आया यहाँ पे 6। ओके, 8 में से 2 माइनस होगा तो 6, 9 में से 7 माइनस होगा तो 2, ऐसे ही यहाँ पे 7 में से 6 माइनस 1, 5 में से 2 माइनस 3, हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 7 में से 4 माइनस क्या मिलेगा हम यहाँ पे 3,
टू में से वन माइनस, हम यहाँ पे मिलेगा वन। सेवन में से टू माइनस, कितने मिलेंगे काउंट करो, फाइव। कितने मिलेंगे फाइव। फोर में से वन माइनस करोगे तो मिलेंगे थ्री। ओके समझ में आया ना, 35 मीटर, 13 यानी 13 सेंटीमीटर। वापिस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वापिस सब्ट्रैक्शन करना है, उसमें आप क्या करोगे, 5 माइनस 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो मिलेंगे 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो मिलेंगे 1। ओके यहाँ पे आप देखो 8 में से कितने माइनस करना है, 5, 8 में से हमें 5 माइनस करने हैं, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने मिलेंगे, 3, हम यहाँ पे लिखेंगे 3। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 5, यानी 53 मीटर, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 2 में से 2 माइनस, 2 में से 2 माइनस तो मिलेंगे 0, 7 में से 1 माइनस तो मिलेंगे 6। ओके यहाँ पे 7 में से 4 माइनस, अभी कितने माइनस करने हैं, 7 में से 4 माइनस करो, माइनस करो कितने मिलेंगे, 3, और 6 में से 3 माइनस मिलेंगे 3, 33 मीटर, 60 सेंटीमीटर। 5 में सेंटीमीटर में 9 में से 8 माइनस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो मिलेंगे 1, 3 में से 2 माइनस तो हमें मिलेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो मिलेंगे 1, 4 माइनस 1, 4 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेंगे 3, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेंगे 5, यानी 53 मीटर, 11 सेंटीमीटर। 6 नंबर का सम, उसमें हमें सेंटीमीटर में पहले सब्ट्रैक्शन करना है 5 माइनस 4, यानी हमें मिलेंगे यहाँ पे 1, 4 माइनस 2, 4 में से हमें 2 माइनस करना है तो हमें मिलेंगे 2। यहाँ पे देखिए 8 माइनस 2, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेंगे 6, और 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेंगे 2, यानी 26 मीटर, 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देखो 5 में से 2 माइनस, 5 में से 2 माइनस तो 3, 9 में से 6 माइनस तो 3, 8 में से 4 माइनस तो 4, 4 में से 2 माइनस तो 2, 24 मीटर, 33 सेंटीमीटर। 7 में से 1 माइनस 6, 6 में से 4 माइनस 2, 2 में से 1 माइनस 1, 5 में से 1 माइनस, 5 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 में से 1 जाएगा तो मिलेगा हमें 4, 41 मीटर, 26 सेंटीमीटर। 9 वाला सम, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 में से 1 माइनस तो 1, 5 में से 4 माइनस, 5 में से 4 जाएगा तो भी मिलेगा हमें 1, 3 में से 0 तो 3, 2 में से 1 तो 1, 13 मीटर, 11 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट द लेंथ ऑफ ईच पेंसिल, कलर द लॉन्गेस्ट पेंसिल। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्केल दिया है और पेंसिल का, यहाँ पे पेंसिल दी है तो उसको हमें लिखना है कि वो कितनी लॉन्ग पेंसिल है। ओके ये दोनों का, ये जो पेंसिल है उसका हमें नाप लिखना है, लेंथ लिखना है। ओके तो अभी हम यहाँ पे लेंथ लिखेंगे और जो कलर द लॉन्गेस्ट पेंसिल, सबसे लंबी जो पेंसिल है उसमें हमें कलर करना है। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से ये 5 तक की है, यानी 5 सेंटीमीटर की पेंसिल है। ओके और यहाँ पे आप देखो ये कितने सेंटीमीटर की है, 0 से यहाँ 5, या 12 के बाद 5 पॉइंट तक है, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे 12.5
सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देखो 0 से 10 तक, यानी ये 10 सेंटीमीटर। कौन सी पेंसिल जो है सबसे बड़ी है? ये बीच वाली पेंसिल है वो सबसे बड़ी है, सबसे लॉन्ग है। तो हमें क्या करना है, ये जो सबसे बीच वाली जो पेंसिल है उसमें क्या करेंगे, हम कलर करेंगे। आपको अपने जो भी कलर आपको फेवरेट है वो कलर आपको करना है। ओके, मैं यहाँ पे ये कलर कर रही हूं, आपको भी ऐसे ही कलर करना है। अपने हिसाब से आप कलर कर सकते हो, आपका जो भी फेवरेट कलर है वो आप कर सकते हो। आपको इस पेंसिल में कलर करना है। समझ में आया सबको? मजा आया होगा। आज का वीडियो यहीं तक था। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, सब्ट्रैक्शन क्या है ना, हमने मीटर और सेंटीमीटर का सब्ट्रैक्शन पढ़ा। ओके, तो आप सभी को ये जो सब्ट्रैक्शन है उसको बार बार दोहराना है और आगे पढ़ना है। ओके, अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।